नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। हम बात करेंगे जेएनयू के मुद्दे पर। देश के प्रतिष्ठित संस्थान जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे हैं, आखिर किस दिशा में बढ़ रहे हैं हमारे युवा? देखिए, एक जो वीडियो सामने आया और जिस तरह के नारे हमको जेएनयू के छात्र लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही बहुत दुखद है। इनकी किसी भी तरीके से समर्थन किया जाना, इस तरह के नारों का, इस तरह की घटनाओं का, मुझे आश्चर्य होता है कि हम किस तरीके से विचारधारा की लड़ाई को राष्ट्र के परे ले जाकर, राष्ट्र का जब सवाल हो तो कोई भी विचारधारा हो, असल में वो राष्ट्र के हित में होनी चाहिए। और अगर राष्ट्र में हमारी भूमि पर खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे इतने बड़े देश के विश्वविद्यालय में, जहाँ पर जाने को देश भर के छात्र तरसते हैं, वो वहाँ पढ़ना चाहते हैं, हर किसी की हसरत होती है। और मुझे सौभाग्य मिला उस कैंपस में रहकर, एक छोटा को मैं कहना चाहूँगा, इतना खूबसूरत कैंपस है, इतना शानदार कैंपस है, अच्छा माहौल वहाँ पढ़ाई का है, लेकिन दिक्कत यह है कि शायद वहाँ पर कुछ अति बुद्धिजीवियों को विचारधारा का कुछ इस तरह का ग्रहण लगा है जो हमें इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती। मैं यहाँ पर यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कुछ छात्रों ने वहां पर यह घटना की है, इस तरह की नारेबाजी की है, तो उसके लिए समूचे विश्वविद्यालय को दोषी मानना, समूचे विश्वविद्यालय को राष्ट्रद्रोही करार देना, वहां के सभी लोगों को इसमें शामिल मानना, यह भी गलत है। लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके समर्थन में, हमने जिस तरह की, अगर ऐसा और एसएफआई के स्टूडेंट्स ने किया है और उनके समर्थन में हमें कम्युनिस्ट वामपंथी लोग हमारे हमें खड़े, आप विचारधारा से इसको मत जोड़िए। कोई भी अगर वहां खड़े रहकर भारत की बर्बादी तक उनकी जंग जारी रहेगी इस तरह का नारा देते हैं, तो किस तरीके से उसको, क्यों वो राष्ट्रद्रोह का मामला उनके ऊपर नहीं बनता है? कोई वहां पर खड़े होकर अगर अफजल गुरु की फांसी को केवल एक न्यायिक हत्या बता देता है, वो अफजल गुरु जो इस देश की संसद पर, इस देश के सबसे पवित्र मंदिर पर हमले का दोषी माना गया, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया था कि ऐसा कोई कारण नहीं जिस वजह से यह माना नहीं जाए कि अफजल गुरु इस तरह की इस योजना में शामिल नहीं था। तो अगर वो अफजल गुरु, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी माना है, आप कहते हैं कि आप फांसी पर चढ़ाए जाने की सजा के खिलाफ, वो एक अलग मामला हो गया। लेकिन जिस अफजल गुरु ने देश में इतनी बड़ी हमारी जो संस्था है संसद, उसके ऊपर हमला किया, उसमें वो शामिल रहा, आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हमने ये विचारधारा का जो बुरा घालमेल किया है, ये इस बात के लिए जिम्मेदार है। और जिन लोगों ने ये किया है, अभी केवल कन्हैया जो कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, जिनको हमने वीडियो में नारेबाजी करते हुए देखा, वो गिरफ्तार हुए। मुझे लगता है जितने छात्र इसमें शामिल थे उनकी सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक सबक मिलना चाहिए कि आप इस सरजमी पर खड़े होकर देश के विरोध में नारे नहीं लगा सकते। जेएनयू में एक तबका अलग नजर आता है, आखिर क्या कारण हो सकता है इस तरह के विरोध प्रदर्शन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह अच्छी बात है कि जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है, 1966 में इसकी स्थापना हुई, 14 नवंबर के ही दिन, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ हमारे वेब वार्ता के दर्शकों को, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वेबसाइट से मैंने उनके उद्देश्य डाउनलोड किए हैं। उनकी वेबसाइट पर लिखा है कि विश्वविद्यालय के उद्देश्य हैं कि अध्ययन, अनुसंधान और अपने संगठित जीवन के उदाहरण और प्रभाव द्वारा ज्ञान का प्रसार तथा अभिवृद्धि करना, उन सिद्धांतों के विकास के लिए प्रयास करना जिनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने जीवन पर्यंत काम किया, जैसे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता। जी, तो क्या हम राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहे हैं? उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लिखा है कि इस विश्वविद्यालय की इस दिशा में प्रयास है कि भारत की सामसिक संस्कृति के संवर्धन के लिए ऐसे विभाग और संस्थान स्थापित करेगा जो भारत की, तो जो भारत की समूची संस्कृति के संवर्धन के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए स्थापित किया गया विश्वविद्यालय है, उसमें इस तरह की सोच का विकसित होना निश्चित तौर पर बहुत गंभीर संकेत है। बहुत लंबे समय से बात की जाती रही है कि जेएनयू में कुछ लोग विचारधारा के नाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि चलाते हैं, वो ऐसे लोगों का अड्डा बन चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया था जो बहुत विवादित हुआ, माना जा रहा था कि वो जेएनयू भेजे जा रहे हैं, वो अफवाहें निकली, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं एक अलग सवाल है, लेकिन उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने कहा था और उसमें कुछ भी सच्चाई है तो जांच होनी चाहिए। यहां पर सवाल भारतीय जनता पार्टी का या वामपंथियों का, आईसा का, एबीवीपी का, एसएफआई का नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, राष्ट्रभक्ति की जिम्मेदारी केवल भारतीय जनता पार्टी ने, एबीवीपी ने, आरएसएस ने नहीं ली है। हर वो व्यक्ति जो इस राष्ट्र में रहता है, इस राष्ट्र को अपना देश मानता है, इस सरजमी पर जीने मरने की कसम खाता है, ये उसके लिए इतनी बड़ी गाली है कि हमारी जमीन पर इस तरह के नारे उछल रहे हैं। इन तमाम विचारधाराओं से परे होकर एक भारतीय होने के नाते ये बात हमें कचोटती है। कैसे कोई हमारी धरती पर इस तरह के नारे बुलंद कर सकता है? एक तरफ हमारे सामने वो घटना है जो कि एक व्यक्ति ने क्रिकेट के प्रेम में, विराट कोहली के प्रेम में अपनी
घर की छत पर पाकिस्तान में तिरंगा झंडा फहराया और उसको 10 साल की सजा हो गई, और यहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए, भारत की बर्बादी के नारे बुलंद किए गए अफजल गुरु के समान, और वहां जो पोस्टर लगाए, जो लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था चंद लोग हैं, अरे वो 15-20 लोग कैसे हावी हो गए पूरे कैंपस पर। जो लोग आज कह रहे हैं कि जेएनयू को इसमें मत शामिल कीजिए, जेएनयू को मत घसीटिए, हालांकि मैंने भी कहा, लेकिन बताइए कि बाकी के जो लोग हैं, अगर आप कह रहे हैं 15 छात्रों ने किया, तो बाकी हजारों छात्र चुप क्यों थे? क्यों उन्होंने उस पोस्टर को उस दीवार से नहीं फाड़ दिया जिस पर यह लिखा गया था कि जो जुडिशियल मर्डर हुआ है अफजल गुरु का, उसके खिलाफ बात करने के लिए आप इकट्ठा हुई है? क्या उस पोस्टर को उसी वक्त फाड़ नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या आप विचारधारा की चौंचलेबाजी के नाम पर कोई भी बात करेंगे विश्वविद्यालय के कैंपस में? आप भारत के खिलाफ किस तरीके से नारे बुलंद कर सकते हैं? मुझे लगता है इस वैचारिक ढकोसलेबाजी से परे जाकर जहां राष्ट्र का सवाल हो वहां केवल राष्ट्र की बात होगी। हम इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप इस राष्ट्र में नहीं रहना चाहते, आप स्वतंत्र हैं। मेरा कहना यह है कि आप यहां पर रहकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से इजाजत मिलनी चाहिए इस बात की? जेएनयू इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, कह सकते हैं कि हालात गंभीर हैं। इन हालातों से आखिर कैसे निपटा जा सकता है? जेएनयू में कई तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। जेएनयू में यह माना गया है, लंबे समय से वामपंथी छात्र यूनियन का वर्चस्व रहा है, और उसमें कोई अगर वहां पर बहुत सारे छात्र मानते हैं कि वामपंथ की जो छात्र यूनियन है वो उनके हितों का भला कर, देखिए छात्र संघ जो होता है वो असल में छात्र हित की बात करने के लिए होता है, और उसके परे जाकर वो राष्ट्र को लेकर सोच सकते हैं, क्योंकि दरअसल कोई भी विश्वविद्यालय मुझे लगता है कि राष्ट्र के भविष्य के नेताओं को तैयार करने की नर्सरी होता है। इस देश के कई बड़े बड़े नेता विश्वविद्यालय के छात्र संघों से आए हैं, लेकिन उस छात्र संघ में राष्ट्र के विरोध के नाम पर गालियां देना, राष्ट्र के बारे में उल्टा कहना अगर फैशन बन गया हो, और यह माना जाता हो कि अगर आप राष्ट्र के बारे में गलत कह रहे हैं तो आप उच्च कोटि के विद्वान हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस विचारधारा को तोड़ना होगा। हाल ही में वहां एबीवीपी और वामपंथ के छात्र संघ के बीच में एक लंबी लड़ाई चालू हुई है, लेकिन उसका एक दुखद पहलू यह भी है कि एक छात्र संघ में प्रस्ताव आया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। उसमें एबीवीपी के 12 छात्रों ने तो यह वोट दिया था कि हां सही है, लेकिन 19 छात्रों ने यह वोट भी दिया था कि यह नहीं। तो जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत का, क्या हम भारत में रहकर यह बात कहना चाहिए, कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, तो आप क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, जबकि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी हमारा है, हिंदुस्तान का है, उस पर अनधिकृत कब्जा किया गया। हम सारा जानते हैं, इतिहास गवाह है कि किस तरीके से लड़ाइयां लड़ी गई, किस तरह कबाइलियों के आक्रमण के नाम पर पाकिस्तानी फौज वहां घुस आई और हमारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और उस एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते अगर हम अपने जमीन के लिए, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते, तो हम किस तरह के इंसान हैं? जेएनयू में देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या मंसूबे हो सकते हैं इसके पीछे? मुझे नहीं समझ में आता ये किन लोगों के हाथों की कठपुतली है, ये केवल पढ़ाई और बुद्धिजीविता की अति है, या ये सचमुच किसी प्रकार का षड्यंत्र है? अगर ये षड्यंत्र है, कुछ लोग हमारे युवाओं को बरगला कर राष्ट्रद्रोह के नाम पर उनसे इस तरह के काम करवा रहे हैं जो उनको नहीं लगता कि राष्ट्रद्रोह है, तो ये बहुत गंभीर है। और अगर वो अति बुद्धिजीविता की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी पढ़ाई में, किताबों में, विचारधारा में, माहौल में, वातावरण में कोई ऐसा दोष है जिसको हमें दूर करना होगा। ये घातक संकेत हैं जिसके बारे में बातें लंबे समय से होती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई नासूर है तो उसका जड़ से इलाज करना जरूरी नहीं, तो ये नासूर इस देश के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का सबब बन जाएगा। जी शुक्रिया जयदीप जी इस विषय पर बात करने के लिए। वेबवार्ता में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।